तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉस का प्रमेय, है ना। गॉस का प्रमेय हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। आज देखते हैं हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। क्या देखेंगे हम, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। तो देखते हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, है ना, इसलिए इसकी वीडियो में भेजूंगा नहीं, ठीक। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। माइक ऑफ कर दो। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम का मतलब यह नहीं है कि गॉस थ्योरम को आवेदन पत्र लिखना है तुमको, है ना। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब उसका प्रयोग, है ना, हम उसका कैसे उपयोग कर पाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखते हैं इसको, पहला इसका अनुप्रयोग है रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। आएगा तो सिर्फ यही आ सकता है, हालांकि एकाध बार कभी ये आया है ना, इससे ज्यादा बार कभी आया नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे, इसके बाद में और दो और पढ़ेंगे बस, इससे ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कभी आते नहीं है ना, जितना हमको आ सकता है उतने पढ़ेंगे, अपना कोर्स ऐसे भी लेट हो रहा है। रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें एक डायग्राम बनाते हैं हम, देखो ये है आपके पास में एक रेखीय आवेश, है ना, अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक है। ऋजुरेखा का मतलब होता है सरल रेखा, ऋजुरेखा का मतलब सरल रेखा होता है। तो ये अनंत लंबाई का एक ऋजुरेखीय चालक है कैपिटल एल, जिस पर धनात्मक आवेश कैसा है, समान रूप से वितरित है। ये धनात्मक आवेश है, इस पर धनात्मक आवेश कैसा है, समान रूप से वितरित है। ये हमने आवेश को क्या कर दिया, इस पर दे दिया। और इस रेखीय चालक का जो रेखीय आवेश घनत्व है, ये रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा। मैंने आपको तीन प्रकार के रेखीय आवेश घनत्व पढ़ाया हूँ। पहला है आपका रेखीय आवेश घनत्व, सॉरी आवेश घनत्व तीन प्रकार के पढ़ाया, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और क्षेत्रीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, ये तीन प्रकार के मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें हमको चूंकि सरल रेखा लिए, आवेश का वितरण आपने रेखीय चालक में लिया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा आवेश घनत्व आएगा, रेखीय आवेश घनत्व आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसी चालक का कोई बिंदु O ले लेते हैं। ये चालक का कोई बिंदु O है और इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, गॉस प्रमेय की सहायता से रेखीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यह हमको क्या करना है, पता करना है। बात यह है, तो यह आपने बिंदु चालक का कोई बिंदु O लिया, उससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया, और बिंदु P पर क्या करना है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, इस कैपिटल L को अक्ष मानेंगे और स्मॉल r को क्या करेंगे, त्रिज्या मानेंगे, और एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ का क्या कर देंगे, हम निर्माण कर देंगे। ये देखिए, मैं एक एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ का क्या कर रहा हूँ, निर्माण। गॉसी पृष्ठ का मतलब ये होगा कि ऐसा पृष्ठ जिस पर गॉस का प्रमेय क्या होगा, लागू होगा, उसको बोलेंगे हम गॉसी पृष्ठ, है ना। स्केल से बना लेना आप लोग, ये हो गया आपके पास में गॉसी पृष्ठ। और ये यहाँ एक छोटा सा पृष्ठ बना लेते हैं डी एस, जो हम हर बार बनाते हैं, और इस बिंदु, ये है बिंदु पी, ये बिंदु पी जो है वो छोटे पृष्ठ डी एस से घिरा हुआ है, और इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कैपिटल ई है, ठीक है। और चूंकि पृष्ठ ऐसा है और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसका अभिलंब भी इसी दिशा में होगा, इसलिए जो कोण बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य, वो कोण कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि दोनों समांतर हो जाएंगे, अभिलंब भी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, इसलिए जो कोण लेते हैं हम यहाँ पर जीरो लेने वाले हैं, राइट है। तो
इतना आपको थ्योरी में लिखना था। अच्छा लंबाई कितनी है इसकी? देखो ये पूरा का पूरा जो बड़ा चालक है उसकी लंबाई कैपिटल एल है, क्योंकि ये अनंत लंबाई का है, और हमने जो निर्माण किया है उस बेलन की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। ये आपको कंप्लीट डायग्राम हो चुका है ना। थ्योरी में देखते हैं चित्रानुसार, अनंत लंबाई का एक ऋजु रेखी चालक यानी कि रेखी चालक कैपिटल एल प्रदर्शित है, जिस पर धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है। आवेश का चालक का रेखी आवेश घनत्व कितना है? लेमडा। चालक का रेखी आवेश घनत्व लेमडा है। चालक के किसी बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैपिटल एल को अक्ष तथा स्मॉल आर को त्रिज्या मानकर एक बेलनाकार गौसी पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तब से क्या करेंगे, हम डेरिवेशन प्रारंभ करेंगे। एक बार मैं फिर से बोलते रहूँ, चित्रानुसार अनंत लंबाई का एक ऋजु रेखी चालक कैपिटल एल प्रदर्शित है, जिस पर धनात्मक आवेश समान रूप से वितरित है। चालक का रेखी आवेश घनत्व लेमडा है। चालक के किसी बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कैपिटल एल को अक्ष तथा स्मॉल एल को त्रिज्या मानकर एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। ये है आपका कौन सा पृष्ठ? गौसीय पृष्ठ। गौसीय पृष्ठ बोलने का मतलब ये हुआ कि इस पृष्ठ में गौस का प्रमेय क्या होगा, लागू होगा। तब से स्टार्ट करते हैं। तब इस गौसीय पृष्ठ से, गौसीय पृष्ठ लिखो या गौस पृष्ठ लिखोगे तो भी चलेगा, इस गौसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। ये फार्मूला आपको मालूम है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का फार्मूला ये है ना। और सरफेस इंटीग्रेशन क्यों लगाए, क्योंकि ये हमारे पास में ये पूरा का पूरा क्या है, सरफेस है, ये वाला और इस तरफ वाला सरफेस है ना, इसलिए हमने सरफेस इंटीग्रेशन लगा दिया, पृष्ठीय समाकलन लगा दिया। ऊपर वाला भाग खुला है, यहाँ से बल रेखाएं नहीं जाएंगी। आपको मालूम है बल रेखाएं चालक की सतह से कैसे निकलती है, लंबवत निकलती है। ये चालक है तो बल रेखाएं ऐसी निकलेगी, ऐसी 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 नहीं निकलेगी, समझ रहे बात, इसलिए ये वाले पृष्ठ छोड़े जाते हैं, छोड़ दिए जाएंगे है ना। तो इस गौसीय पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, राइट। फाई ई इज इक्वल टू डॉट, जब हटाएंगे तो क्या लगाएंगे बताइए, कॉस थीटा लगाएंगे, तो ई डी एस कॉस थीटा। अब देखो थीटा इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया भाई, ये है पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, इस पृष्ठ का अभिलंब यही रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ के अभिलंब के मध्य कोण कितना बनेगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो बनेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक स्टेप कर दूंगा, उसी लेके आता हूँ, यहाँ लिखते नहीं बनता थोड़ा, फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस बचा यहाँ पर है ना, और मैं क्या कर रहा हूँ इस ई को भी क्या कर देता हूँ, बाहर कर देता हूँ, तो ई सरफेस इंटीग्रेशन यहाँ केवल डी एस बच जाएगा, और यहाँ कारण लिख देता हूँ, चूंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो इसलिए कॉस जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या मत दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रहने दो, परंतु ये जो सरफेस इंटीग्रेशन डीएस है, ये डीएस तो छोटा क्षेत्रफल है, डीएस क्या है, ये छोटा क्षेत्रफल है। अब ये जो भाई हमने अगर सरफेस इंटीग्रेशन लगा दिया, पृष्ठीय समाकलन लगा दिया, तो पृष्ठीय समाकलन की स्थिति में क्या होगा, पृष्ठीय समाकलन की स्थिति में ये पूरे के पूरे पृष्ठ की बात चल रही है, लेकिन ये वाला पृष्ठ छूट रहा है, इसलिए जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या होगा, ये बेलन का वक्र पृष्ठ होगा, या बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी हो सकता है, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठ ही कहलाएगा, क्योंकि हम ये वाला पृष्ठ छोड़ रहे हैं है ना।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बताओ जरा, किसी को मालूम है बेलन का वक्र पृष्ठ? 2 पाई आर एल है ना? आंचल बोल रहे हो क्या? आंचल कौन? पायल। ओके, 2 पाई आर एल, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, राइट? इसको मान मान रख देंगे इसका, इसलिए क्या हो जाएगा यहां, मान रखो फाई ई इज इक्वल टू, इसका मान कितना है, ई इंटू 2 पाई आर एल, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से हो गया। अब गॉस के प्रमेय से, क्योंकि हमारा हेडिंग क्या डली हुई है, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है ना, तो क्या करेंगे, अब गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो गॉस प्रमेय से क्या होता है, गॉस प्रमेय बताओ, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता है। ये क्यू क्या है, ये जो जितना बेलन हमने बनाया है ना, उस बेलन बेलन के अंदर में जितना आवेश उपस्थित है वो क्या है, आवेश क्यू कहलाएगा, है ना? परिभाषा गॉस प्रमेय की क्या बोलती है, बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है, राइट? तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर हो जाएगा आपका सेकेंड। बस उसके बाद में क्या है, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट बराबर है तो राइट क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। मान किसका निकालना है, मान किसका निकालना है भाई, हमारा डेरिवेशन क्या है, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है ना हमको, और जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तो इसका मान निकालना चाहिए कैपिटल ई का, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर एल, ये यहीं रह जाएगा और ये यहाँ बटे में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन 0। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ओके, परंतु परंतु क्या, परंतु रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है बताइए, रेखीय आवेश घनत्व इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है कि नहीं होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है ना? तो यहां से जब लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो गया तो सूचित करता है, यहां से क्यू का मान निकालोगे तो क्या आएगा बताओ, क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा एल आ जाएगा, आ जाएगा ठीक। और जब इतना आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इस क्यू का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 से आपका हो जाएगा कैपिटल ई इज इक्वल टू क्यू का मान कितना भैया, लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन 0। एल से एल कट गया, और जब एल से एल कट गया तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। बस, और ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक। कोई दिक्कत है, है क्या कोई दिक्कत, नहीं है ना, आसानी से कर सकते हो, ओके। चलिए, तो अब मैं आपको